सरकार द्वारा हमारे जीएसटी में बेहतास्ता वृद्धि, जो हमारा जीएसटी था वो पहले 5% और 1% होता था, जो बढ़ाकर 6% और 12% कर दिया, उसमें 200 से 250% की बढ़ोतरी की है। उसके साथ साथ हमारे इस पे डीजल और पेट्रोल के दामों में भारी वृद्धि है, जिससे भट्टे वालों की कमर टूट चुकी है। और साथ में हमारा जो कोयला पिछले साल तक भी 9,000 से 10,000 रुपये प्रति टन हमारे भट्टों पर पहुंच जाता था, आज वो कोयला हमारे को 25 से 28 रुपए तक किलो तक पहुंच रहा है, जिसकी वजह से भट्टे वाले भट्टे चलाने में असमर्थ हैं। और जब तक सरकार हमारा ये समाधान जीएसटी का और बढ़े हुए कोयले के दामों का और डीजल पेट्रोल की कीमतों का समाधान नहीं करती, तब तक आगामी सीजन के लिए हम अपने भट्टों को पूर्ण रूप से बंद रखेंगे। 2022-23 का सीजन हमारे लिए काला सीजन रहेगा, जिसमें हम कोई भी उत्पादन नहीं करेंगे और भट्टों को अपने को पूर्ण रूप से बंद रखें। अच्छा, और भी बारिश के समय तो भट्टे बंद जाते हैं, और प्रदेश सरकार की बात करें तो रेड लग रही है भट्टों में हरियाणा में, या क्या मनसा सरकार? ऐसा कोई नहीं है, कोई कुछ साथी शिकायत करते हैं आपस में भट्टों की, झूठी शिकायतें भी करते हैं, कुछ शिकायतें हैं। NCR के अंदर आज के दिन कोई भी भट्टा चालू हालत में नहीं है। नॉन NCR में कुछ भट्टों की स्थिति ऐसी है जो चालू हैं, उनके ऊपर कोई बैन भी नहीं है, लेकिन कुछ साथी अपना फायदा खुद का निकालने के लिए या किसी से खुनस निकालने के लिए इस तरह की शिकायतें करते हैं, जिससे CM फ्लाइंग या CM शिकायत उन भट्टों पर जाती है और उनकी जांच करती है। अच्छा, जींद जिले की बात करें तो कितने भट्टे हैं जींद जिले में, किस तरह का आर्थिक नुकसान आप झेल रहे हैं? जींद जिले के अंदर लगभग 140 भट्टे आज के दिन हैं, और हमारे जो GST के रेट बढ़े थे और कोयले के जो दाम बढ़े थे, उसकी वजह से अब की बार का सीजन भट्टों वालों के लिए बहुत ही बुरा रहा है। कोई भी उम्मीद भट्टे वाले के पास आगे नहीं बची है कि हम भट्टे अपने चला पाएं, पूंजी लगभग आधी समाप्त हो चुकी है, और सरकार हमारा जब तक सहयोग नहीं करेगी तो ये भट्टे शायद चलने की स्थिति में नहीं हो पाएंगे। आपका शुभ नाम? पद प्रवीण ढिल्लो, प्रधान भट्टा एसोसिएशन जिला जी। हरियाणा सरकार का नहीं, ये जब जितने भी मुद्दे हैं लगभग केंद्र सरकार से संबंधित है, जैसे GST में जो वृद्धि हुई है वो GST काउंसिल की सिफारिश से केंद्रीय वित्त मंत्रालय जो है लागू करता है, और भट्टों पर जो टैक्स बढ़ाया गया है, GST बढ़ाया गया है, वो 1 अप्रैल 2022 से लागू कर दिया गया है। और जहां तक कोयले की बात है, कोयले के दामों में जो वृद्धि है वह भी केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से है। जो कोयला कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा एक उपभोक्ता का हक जिस पर बनता है उस कोयले पर, वो उसके अंदर सरकार ने एक ई बिडिंग
कि कंप्यूटर के द्वारा उसके ऊपर बोली लगाई जा सकती है, ऐसा एक सिस्टम बनाया हुआ है। तो कोल इंडिया का जो कोयला है वो भी जो 3 से 4 हजार रुपये प्रति टन एक उपभोक्ता का हक बनता है, सरकार उसको उपलब्ध कराए, उसको उपभोक्ता बिडिंग ना करके बीच में जो ट्रेडर्स होते हैं उसके अंदर कालाबाजारी करते हुए उस कोयले के दाम को भी उन्होंने 20 हजार रुपये प्रति टन तक पहुँचा दिया। उनकी मंशा कोल इंडिया लिमिटेड का कोयला पाने की नहीं है, उनकी मंशा ये है कि जब कोल इंडिया लिमिटेड का घरेलू कोयला जो है हिंदुस्तान का वो महंगा हो जाएगा तो उनका अमेरिका से आयातित कोयला बिकेगा हिंदुस्तान के अंदर। तो यह उनकी मंशा होती है। हमारी मांग ये है सरकार से कि भट्ठा उद्योग के लिए अलग कोयला नीति बने और उस कोयले को उपलब्ध कराने के लिए एक नोडल एजेंसी का गठन हो और साथ में ये कालाबाजारी जो है कोल इंडिया लिमिटेड के कोयले में जो होती है, जो ट्रेडर्स काम करते हैं उनको इस कालाबाजारी से रोका जाए। आपका शुभ नाम सर? रजनीश जैन, महासचिव हरियाणा प्रदेश ईट भट्ठा स्वामी एसोसिएशन। धन्यवाद।